हमारी मीटिंग हुई है 26 तारीख को, 26/7/24 को हमीरपुर में। हमने वहाँ पर निर्णय लिया हुआ है कि अगर सरकार को एक नोटिस दिया जाएगा, मैनेजमेंट को दिया जाएगा, अगर हमारे साथ समय पर बातचीत नहीं करते हैं तो हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं और मुखिया कार्यालय का भी घेराव कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ऊना ने प्रदेश सरकार से समय पर पेंशन उपलब्ध करवाने और उनके लंबित चल रहे वेतन लाभ जल्द जारी करने की मांग की। बुधवार को संगठन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कहा गया कि सरकार बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके इन पेंशनर्स की मांगों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं देती। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि अब भी सरकार उनकी समस्या के प्रति उदासीन रहती है तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हमारा मुखिया जो है पेंशन का जो मुद्दा है, पेंशन का हमारा स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन का सरकार बजट में प्रावधान करे, जबकि सरकार ने ही हमें पेंशन दी है और जो अभी न्यू पेंशन स्कीम को बदला है और ओल्ड पेंशन जो स्कीम लागू माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, हम उसका स्वागत करते हैं। और वो पेंशन जो है HRTC के जो लगे हुए इस वक्त कार्यरत कर्मचारी है उनके ऊपर भी लागू हो चुकी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब सरकार ही पेंशन को लागू करती है तो हमें पेंशन का स्थायी समाधान बजट में होना चाहिए। तो बजट में ना हो करके इस वक्त हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 2 महीने पहले हमें पेंशन देरी से मिली और इस महीने हमें कुछ आम साथियों ने संघर्ष किया तो हमें 2 तारीख को पेंशन पड़ी है। इसके अलावा हमारे वित्तीय लाभ जो है रिटायरमेंट के वित्तीय लाभ 1/16 से लेकर के आज तक पेंडिंग चले हुए हैं। जैसे DA एरियर का है और न्यू वेतनमान का एरियर है और अपना हमारे मेडिकल बिल जो है वो 2-2 साल से पेंडिंग है और हमारे को चिकित्सा इलाज कराने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। हमारे एक अंदर साथी बैठे हैं, वो कैंसर के पीड़ित हैं और उनके 2-2 लाख के बिल जो है वो मुख्य कार्यालय में जाते हैं, लेकिन 2 साल से पेमेंट ना होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, जबकि हमने पूरे 35 साल 36 साल 40 साल तक इस HRTC के अंदर सेवाएं दी है और इस HRTC को ऐसे स्तर पर था बनाया हुआ कि आज वो हालत नहीं है जो हमारे टाइम पर थी। हमारे टाइम में ऐसी हालत नहीं होती थी, हमारी अच्छी थी, सुविधा अच्छी थी और इनकम अच्छी थी। आज तो यह घाटे का रोना रोया जा रहा है और वित्तीय स्थिति का रोना रोया जा रहा है। उस समय हमारे को जो सैलरी थी वो भी टाइम पर मिलती थी, ओवर टाइम 22 तारीख को मिलता था हर महीने, मेडिकल बिल हर महीने मिलते थे, लेकिन आज 2-2 साल के ऊपर चली गई ये बात। कब तक ये वित्तीय लाभ हमें मिलने हैं, हम उसके इंतज़ार में बैठे हैं। हमारी मीटिंग हुई है 26 तारीख को, 26/7/24 को हमीरपुर में। हमने वहाँ पर निर्णय लिया हुआ है कि अगर सरकार को एक नोटिस दिया जाएगा, मैनेजमेंट को दिया जाएगा, अगर हमारे साथ समय पर बातचीत नहीं करते हैं तो हम विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं और मुखिया कार्यालय का भी घेराव कर सकते हैं।